हे हेलो नमस्कार, मेरा नाम है क्लब मौर्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको एमकॉम के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि एमकॉम है क्या, एमकॉम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों एमकॉम जिसका पूरा नाम मास्टर इन कॉमर्स है, यह 2 ईयर्स ड्यूरेशन का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो इंडिया के बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल है, जहां से आप आसानी से एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम उन स्टूडेंट का करना चाहिए जो स्टूडेंट बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और कॉमर्स के अलग अलग दूसरे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यह कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स साबित हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे कि आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर पाएं। तो दोस्तों एमकॉम में अप्लाई करने के लिए बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो BBA, BFIA या फिर BBE के छात्रों को भी मौका देती है एडमिशन के लिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट के मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों एमकॉम में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट दोनों के आधार पर होता है। दोस्तों ये कुछ टॉप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको आप क्लियर करके आसानी से एमकॉम में एडमिशन पा सकते हैं, जैसे कि ICAI, ICSI, ICWAI, PUCET, ये सभी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको आप क्लियर करके आसानी से एमकॉम में एडमिशन पा सकते हैं। तो फीस की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस में फीस अलग अलग हैं, लेकिन एवरेज फीस इसकी जो है वो लगभग 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक आपको पर एनम खर्च करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करें कि क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एमकॉम कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों एमकॉम कंप्लीट करने के बाद वर्ल्ड वाइड बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप चाहे तो पब्लिक, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, बैंक मैनेजर, टीचर, ट्रेड मैनेजर, वेल्थ मैनेजर या फिर शेयर ब्रोकर बन सकते हैं। इसके अलावा आप यदि आगे स्टडी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप नेट जेआरएफ के बाद PhD भी कर सकते हैं। PhD एमकॉम स्टूडेंट के बीच बहुत ही पॉपुलर है, जितने मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमकॉम कंप्लीट करने के बाद PhD करने के लिए आगे और स्टडी करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल कि क्या एमकॉम में स्पेशलाइजेशन होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ, एमकॉम में स्पेशलाइजेशन होती है जिसे आप कर सकते हैं, जैसे कि एमकॉम इन मैथमेटिक्स, एमकॉम इन फाइनेंस, एमकॉम इन इकोनॉमिक्स, एमकॉम इन टैक्सेशन, एमकॉम इन बैंकिंग, एमकॉम इन अकाउंटिंग, एमकॉम इन बिजनेस मैनेजमेंट। इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, आप जिसमें बेचाए उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ टॉप रिक्रूटर के बारे में जो एमकॉम ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक, HDFC, डेलॉयट, KPMG, TFC और भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो एमकॉम ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट हायर करती हैं। अब दोस्तों सैलरी की बात करें तो एमकॉम स्टूडेंट की इनिशियल सैलरी 3,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये पर एनम तक हो सकती है। इससे ज़्यादा या फिर कम भी हो सकती है, क्योंकि किसी की भी सैलरी उसी पर निर्भर करती है कि कैसे आप पढ़ाई किए हैं, कहाँ से किए हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर किसी की भी सैलरी डिपेंड करती है। दोस्तों ये रही कंप्लीट वीडियो एमकॉम के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।